अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेचर विथ नेचुरल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एलर्जी के ट्रीटमेंट के बारे में बताने जा रही हूँ। हम लोग के हर दिन के ज़िंदगी में हम लोग हर तरह के खाना खाते हैं, खाना पीना, पहनना ओढ़ना, हर चीज़ में अगर देखा जाए तो कुछ ना कुछ केमिकल मिला रहता है, जिस वजह से हमारा शरीर उसको रिएक्ट करके हमारे शरीर में हर तरह की बीमारियां नज़र आती हैं। ज़्यादातर आजकल तो कॉमन हो गया अभी एलर्जी का बीमारी, हर जहाँ देखो तो हर जगह यही एलर्जी। तो यही एलर्जी को हम कुदरती तरीके से कैसे ट्रीटमेंट करें आज मैं बताने जा रही हूँ। आप ट्राई करना और कॉमेंट में मुझे ज़रूर बताना। तो मैं यहाँ पर बेल की पत्तियाँ और हल्दी ली हूँ, कच्चा हल्दी आपको 6 से 7 बेल का पत्ता और एक टुकड़ा हल्दी ले लेना है। सुबह उसको पीस के नहार पेट उसको खा लेना है। इसी तरह 8 से 10 दिन तक अगर हम इसको कंटिन्यूसली खाएं तो इंशाल्लाह 3 दिन में तो फ़र्क नज़र आएगा, लेकिन हमें इससे कंटिन्यू 8-10 दिन या फिर 15 दिन तक हमें कंटिन्यू इसे खाना है। तो बेल का पत्ते के फ़ायदे के बारे में तो आप लोग को पता ही होगा, वो एक नेचुरली गैस्ट्रिक रेमेडी है, जिसको खाने से हमें गैस का प्रॉब्लम कम होता है। पहले दादी माँ के ज़माने में पहले बोला जाता था कि अगर कोई भी चीज़ हो रहा है तो जैसे कि गैस्ट्रिक वगैरह तो बेल की पत्तियाँ खा लो, अच्छा हो जाएगा। तो इसे आप खाएं, बेल का पत्ता गैस को कंट्रोल में काम देता है और हल्दी जो जिसमें कि एंटी बैक्टीरियल एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ है, जो कि हमारे शरीर में एलर्जी और हर तरह की गंदी चीज़ों को रोकने में सहायता होता है। और आप लोग ट्राई करें और कमेंट में बताएं कैसा लगा ये रेमेडी। आई होप मेरी ये रेमेडी आप लोगों का पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Please support me.